सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज वेक्टर्स इन 3D की, जिसके चैप्टर 4 लाइन एंड प्लेन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 4.2 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हम तब तक पढ़ रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द पॉइंट वेयर लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 एंड इज पैरेलल टू लाइन आर इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस 2K प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई माइनस 2J प्लस 3K मीट्स द एक्स वाई प्लेन। जरा समझने की कोशिश करिएगा, यहां पर वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, हमें जो फॉर्म इजी लगेगा वो हम लगाएंगे, ठीक है। देखो गिवन क्या है, एक पॉइंट गिवन है। क्या पॉइंट गिवन है? 1, 2, 3 गिवन है और एक इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है। क्या गिवन है? आर इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस 2K आई माइनस जे प्लस 2K प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई माइनस 2J प्लस 3K आई माइनस 2J प्लस 3K। जरा समझिएगा, ये लाइन गिवन है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज है, टफ नहीं होती ये कॉन्सेप्ट का मतलब ही थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन एक्स पासिस थ्रू 1, 2, 3 एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर मीट एक्स वाई प्लेन। मतलब एक लाइन है जो इस पॉइंट से होकर पास हो रही है और इसके पैरेलल है, पहले से ये लाइन है। तो ऐसा करते हैं, हम कार्टेशियन फॉर्म में ले जाते हैं, कार्टेशियन फॉर्म इजी पड़ जाता है, ठीक है। देखो ये जो लाइन है इसका, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, तो बी यहां पर क्या है, आई माइनस 2J प्लस 3K, ठीक है। और इस लाइन के DRs क्या होंगे, DRs ऑफ लाइन 1 जो B के DRs होंगे। और आपको बताया गया है अगर कोई वेक्टर दिया हो तो जो आई जे और के साथ कोफिशियंट होते हैं ना वही DRs होते हैं, यानी इसके DRs हो गए आपके 1, -2, 3। सही कहा मैंने? तो आपकी जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है और इसके पैरेलल है, यानी आपकी लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है x1 y1 से और आपकी लाइन के यही डीआर से। भाई आपकी लाइन जब इस लाइन के पैरेलल है तो जो इस लाइन के डीआर से वही आपकी लाइन के डीआर से, सही कह सकता हूं ना मैं? तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए एंड पैरेलल टू बी। तो हम कार्टेशियन फॉर्म लिखते हैं, एक्स माइनस एक्स वन अपान यही डीआर से एबीसी, यही डीआर से आपके एबीसी अपान ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपान बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपान सी। यानी आपकी जो लाइन है वो है एक्स माइनस वन अपान वन इज इक्वल टू वाई माइनस टू अपान माइनस टू इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री अपान थ्री, इक्वेशन नंबर 2। क्या मैं सही कह रहा हूं? हो गई लाइन। अब जरा इस लाइन को पहचानिए, ये जो लाइन आपने लिखी है इसकी पहचान क्या है? तो आप कहेंगे भैया ये जो लाइन है ना ये 1, 2, 3 से पास हो रही है और ये इसकी जो डी आर से है वो 1, -2, 3 है। यानी कुल मिला के ऐसी कुछ लाइन आपकी है ना 1, 2, 3 से पास हो रही है, इसके डी आर से 1, -2, 3। अब ये लाइन जाते 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 एक जगह कट कर रही है, कहां कट कर रही है, एक्स वाई प्लेन पे। यानी ये जिस प्लेन पे कट कर रही है ये एक्स वाई प्लेन है और एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन होता है जेड बराबर जीरो। यानी ये लाइन जेड बराबर जीरो पर इंटरसेक्ट कर रही है, बात समझ में आ गई बात? तो आप लिखेंगे लाइन टू मीट्स एक्स वाई प्लेन एज लाइन टू मीट्स एक्स वाई प्लेन, दैट इज पूरा लिखने प्लेन, दैट इज जेड बराबर जीरो। क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे जैसे आपने पढ़ा एक्स एक्सिस का इक्वेशन, तो चूंकि एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा जीरो रहता है तो उसका इक्वेशन ही वाई बराबर जीरो कर दिया। एक्स वाई प्लेन पे जेड हो गई नहीं, जेड हमेशा जीरो होगा,
तो उसका एक क्वेश्चन होता है जेड बराबर जीरो, इसका होता है यहाँ जेड को जीरो कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन अपान वन इज इक्वल टू वाई माइनस टू अपान माइनस टू इज इक्वल टू जीरो माइनस थ्री अपान थ्री, यानी एक्स माइनस वन अपान वन इज इक्वल टू वाई माइनस टू अपान माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन, जेड तो ऑलरेडी जीरो ही है। अब यहां से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो, जब हम एक्स माइनस वन अपान वन को माइनस वन के इक्वल करेंगे तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स का मान जीरो आ जाएगा, और जब वाई माइनस टू अपान माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन करेंगे तो वाई माइनस टू इज इक्वल टू टू वाई इज इक्वल टू फोर हो जाएगा, तो पॉइंट क्या जाएगा जीरो कामा फोर कामा जीरो, सही कह रहा हूं मैं? हाँ, अरे वाह, ठीक, यानी ये पॉइंट है जहां पर ये लाइन एक्स वाई प्लेन को टच करेगी, यानी कुल मिलाकर वाई एक्सिस को टच करेगी, क्योंकि एक्स भी जीरो आ रहा ना यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन है, टफ नहीं है, थोड़ा समझना पड़ता है, बार बार हम कहते हैं कि 3D का मतलब थ्री डायमेंशनली यू हैव टू थिंक, ठीक, तो करिएगा इसको नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।